नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। समय रहते संभल जाइए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं ना, समय रहते संभल गए तो ठीक है, अगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ग्रह गोचर एवं चंद्र राशि के आधार पर निर्मित किया गया है। आपको बताएंगे आने वाले 24 घंटे में आपके लिए कैसा परिणाम लेकर आने वाले हैं, चाहे वह नकारात्मक होंगे या सकारात्मक, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आज की इस वीडियो में। हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखेगा, उन्हें भगवान श्री गणेश जी और गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप अवश्य ही लिखिएगा, ताकि भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार वालों पर हमेशा हमेशा बनी रहे और आपकी व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं गुरु जी के एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार से। दोस्तों कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझाने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करती है, और गंगा में विचारों को नहीं बल्कि आपकी शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई और जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय हो सांवरिया सेठ की। आइए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों आज का दिन मौज मस्ती में समय व्यतीत करेंगे और अपने कार्यों की ओर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो आप अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को भी कल पर टाल सकती हैं, जो कि बाद में आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। यदि आपके आस पड़ोस में कोई वाद विवाद की स्थिति पनपे तो उसमें आपको चुपचाप रहना ही बेहतर रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें यह समय सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना दिख रही है। घर परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है जिसमें परिवारजनों का आना जाना लगे रहेगा। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय नौकरी पेशा जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहेगा। कोई प्रमोशन संबंधित शुभ सूचना मिलने को मिल सकता है और कामकाज से जुड़े लोगों को अच्छा धन लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, जीवन साथी को किसी नए व्यवसाय को भी करा सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आप पूरे उत्साह से भरपूर नजर आएंगे, जिसे देखकर आपके शत्रु आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। देखिए परिवारियों को भी मन मुताबिक लाभ मिलने से वह फूले नहीं समाएंगे। यदि आपको विदेश से संबंधित बेहतर अवसर आए तो उसमें आपको हाथ से जाने नहीं देना है, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है और आपको बाद में पछतावा हो सकता है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय आपके प्रभाव में वृद्धि का दिन रहेगा। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फिर भी उनके मन में डर बना रहेगा। यदि किसी संपत्ति के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसके लिए चल व अचल पहलुओं को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। आपको फिजूल खर्च करने से अभी बचना होगा, नहीं तो वह आपके लिए परेशानी हो सकता है और अपने देखिए संचय धन को भी ठिकाने या लगा लेंगे। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्य क्षेत्र में यदि आपको कोई बेहतर अवसर मिले तो आपको तुरंत देखिए उस पर लपक लेना होगा, नहीं तो कोई और उसे लाभ कमा सकता है। धन का निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन अभी काफ़ी उत्तम है, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप धन को निवेश किसी लॉटरी में या फिर सट्टेबाजी में करेंगे तो आपको उसमें दुगुना लाभ देगा। आप बिल्कुल कर सकती हैं।
वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके चारों ओर का वातावरण सुखमय बना रहेगा और आपको एक के बाद एक शुभ समाचार सुनने को मिलते रहेंगे, जिससे कि मन आपका काफ़ी प्रफुल्लित व खुश नजर आएगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी संबंधित मामला है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए कोई बेहतर अवसर भी आ सकता है। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें, आप अपने परिश्रम से किसी ऐसे कार्य को अंजाम देंगे जिसमें परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। आपका मन किसी कार्य को करने के लिए काफ़ी परेशान रहेगा, काफ़ी उसमें चिंतित रहेगा, लेकिन आप चाहकर भी उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आप संतान के भविष्य में धन संबंधित निवेश करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसमें जीवन साथी से सलाह मशवरा अवश्य लें, ये आपके लिए बेहतर और लाभकारी साबित होंगे। दोस्तों दिन आपके लिए काफ़ी मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और जिसमें आपको ध्यान रखकर पूरा करना होगा। सट्टेबाजी में धन का निवेश करने वाले लोगों के लिए निवेश करना बेहतर ही लाभ रहेगा। पिताजी को कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या परेशान करेगी, जिसके लिए आपको डॉक्टरी विचार परामर्श लेना होगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत आपने यदि किसी को धन को उधार दिया था तो उसके धन वापस आने की पूरी संभावना बन रही है, आपको इस समय थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा होगा, जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे और विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है, जिसमें उन्हें पुरानी रुकी हुई योजनाओं को भी गति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव कर सकते हैं। परिवार की तरफ से देखिए बेफिक्री रहेंगे, लेकिन आपको संतान के शिक्षा से संबंधित समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित निवेश चल रहा था तो वह भी आज पूरा होगा, और यदि आपने किसी नए व्यवसाय की योजना बनाई है तो उसके लिए आज का दिन काफ़ी उत्तम है, शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ होगा। माता जी का स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और नए कार्यों की अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप अपने घर के माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी की आशीर्वाद लेकर करें, आपको हर एक कामों में सफलता मिलेगी। वहीं दोस्तों आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानी भरा रहेगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी हालत कुछ क्षमा नहीं रहेगी। यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही थी तो उसमें भी आपके कष्टों में वृद्धि हो सकती है। कार्य संबंधित आपको कुछ यात्राओं का भी जाने का मौका मिल सकता है, जिसके आपको एक अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी, जिसके कारण आप अपनी किसी निर्णय को समय पर नहीं ले पाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा विवाहेतर संबंध में पड़ेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और आपके किस्मत के सितारे बता रहे हैं, आपको इस समय बहुत ही सावधानी और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, खासकर आपको विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना होगा, अन्यथा परेशानी आपके सर पड़ेगी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग लाल कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 3 है।